कितने साल से आपका शॉप? 75 ईयर्स। अच्छा 75। हमारे परदादा जी के टाइम तो चल रही है, चौथी पीढ़ी चल रही है शॉप। अच्छा चौथी पीढ़ी। हाँ जी। और दोस्तों अभी आपको व्यू देखकर ही पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, जयपुर सिटी में खड़ा हूँ। अभी हम ट्राई करेंगे यहाँ का स्ट्रीट फूड। तो यहाँ का फेमस लक्ष्मी नमकीन भंडार और प्रसिद्ध पुरानी दुकान, और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा तो हम भैया से ही सुनते हैं कि यहाँ पे क्या क्या नाश्ता मिलेगा और ऑर्डर करते हैं। अभी हम आ गए लक्ष्मी नमकीन भंडार। आपने देखा होगा अलग अलग स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। अभी रहा नहीं जा रहा है और साथ में बात भी करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शंकर शर्मा। शंकर शर्मा जी, कितने साल से आपका शॉप? 75 ईयर्स। अच्छा 75। हमारे परदादा जी के टाइम तो चल रही है, चौथी पीढ़ी चल रही है शॉप। अच्छा चौथी पीढ़ी। हाँ जी। और फर्स्ट शॉप आपकी पीढ़ी में परदादा ने चालू किया? हाँ जी, हमारे परदादा जी ने स्टार्ट की थी, पहले यहाँ होमचा लगा थे तो उसके बाद उन्होंने शॉप करी। अच्छा। सबसे पुराना टाइम की राम प्रकाश सिनेमा, उस ये स्टार्ट था उस टाइम तो चल रही है हमारी शॉप। जी जी। क्या नाम है सर उनका? वो हमारे दादाजी है गंगाराम जी। अच्छा गंगाराम जी। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण जी मेरे दादाजी हैं, फिर पिताजी राम बाबू जी और अब शंकर शर्मा। चौथी पीढ़ी होगी। तो आप स्ट्रीट फूड में क्या क्या मतलब? अपने स्पेशल होती है आलू प्याज कचौरी, दाल कचौरी, आलू वड़ा, ब्रेड पकौड़ा, मिर्ची वड़ा, ये पालक मिर्च पकौड़ी है, समोसा, अलग अलग वैरायटी है। और फेमस जो है हमारी मेन वो है यहाँ की हमारी चटनी। अच्छा चटनी। मेन खासियत है जो हमारी चटनी है ये आपको पूरे जयपुर में नहीं मिलेगी कहीं भी। अच्छा, जयपुर में कहीं भी नहीं मिलेगी। इसका ये ड्राई पेस्ट होता है जी, ये है जो इसका ड्राई पेस्ट होता है। अच्छा। इसको हम पानी में पैक करके देते हैं, घर जाके आप पानी मिला के उसको पतला बना सकते हो। अच्छा पतला बना सकते हैं। अच्छा। और ये लगभग पार्सल करके भी शायद गुजरात भी ले जाएगा तो कितना टाइम में चलेगी कचौरी? आलू प्याज कचौरी होती है 24 आवर, खराब नहीं होती है। और दाल वाली है वो चलती है 3 दिन, वो बिल्कुल खराब नहीं होती है। और ये 10 घंटे आलू आइटम है तो 10 घंटे का चलता है जी। ये आ गई है कचौरी, खस्ता कचौरी, हमारे यहाँ पे गुजरात में तो खस्ता कचौरी बोलते हैं इसको। दाल कचौरी। अच्छा दाल कचौरी। हाँ दाल कचौरी है ये, अभी देख कर तो रहा नहीं जा रहा है। चलिए करते हैं ट्राई। अभी दोस्तों करते हैं ट्राई। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट, 75 ईयर पुरानी ये शॉप। हाँ करवा दो दोस्तों। अभी प्याज कचौरी ट्राई की हमने, 75 ईयर इनका शॉप है। शर्मा जी, दाल वो प्याज कचौरी तो आपकी ज़बरदस्त लगी, अभी मिर्ची वड़ा थोड़ा अलग ही दिख रहा है तो वो ट्राई करने का सोच रहे हैं। मिर्ची वड़ा खिलाओ आप। शक्ल भी तो दे यार, पैसा भी शक्ल भी ले। अरे वो स्टार वही है, स्टार वही है। हाँ चैनल से दोस्तों मिर्ची वड़ा करते हैं ट्राई, देखते जलेबी भी थोड़ी गरम ही है ये। शर्मा जी हाँ, मिर्ची वड़ा करते ट्राई। दोस्तों बहुत ही लाजवाब टेस्ट, मैंने मेरी लाइफ में ऐसे मिर्ची वड़े कभी भी नहीं खाए, और इतनी साइज का मिर्ची वड़ा फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त। जब भी आप जयपुर आए तो शर्मा जी के मिर्ची वड़े लक्ष्मी नमकीन ज़रूर आप ट्राई कीजिए।
ऐसा एक्सपीरियंस कहीं पे भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। मैं यहाँ से भी पैसे लूंगा छोटी चौपड़ में, बात तो सुनो। अरे वो सब हो जाएगा, तू टेंशन पहले खा पी ले। हाँ अरे खा पी ले नहीं, मैं क्या कह रहे हो। टाइम कितना हुआ, मैंने 8 बजे तक का टाइम रहता, कहीं भी गाड़ी ले लेंगे। हाँ ले लेंगे। अरे मैं सामने से लेते जाऊंगा ना, ये तो बात तो वही है। वही ऐसे ही कॉफी मस्त बनाई है। मेरे को कॉफी नहीं बनती, मैं एक से बढ़िया कॉफी ला के रखता हूँ। कॉफी का क्या सीन है कि जो जिनसे बनी है ना उनसे ही बनी। पकड़ ले मेरे बेचारे सब कुछ मैं सामने दारू पीता हूँ भैया। वहाँ से फोन आता है, दो कचौरी भेज, मेरी कचौरी लेके आता है। हम नाश्ता करने के लिए शर्मा जी के पास आए, लक्ष्मी नमकीन भंडार। हाँ भंडार जो है, हम लोकेशन इनसे ही जानेंगे, तो आपको कभी भी आना हो जयपुर में और इनके यहाँ पे पहुँचना हो तो इजी रहेगा जी शर्मा जी। आप सर लोकेशन है आप, हवा महल बाज़ार है ये पूरा, चांदी की टकसाली से कहते हैं जो ये जी, है जगह। हवा महल से सीधा नीचे उतर के आए 500 मीटर पे पुरानी लक्ष्मी नमकीन के भंडार से आपको शॉप मिल जाएगी। बड़ी फेमस शॉप है, कस्टमर्स बहुत सारे खड़े मिलते हैं। टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से कचौड़ी रेडी मिलेगी, शाम को 7:30 बजे तक कचौड़ी मिलेगी आपको। आपने बताया कि बड़ी फेमस ये शॉप है। हाँ जी, मैंने तो आज फील किया नाश्ता करके यहाँ पे कि सही में फेमस किस वजह से हुई और कैसे हुई। फेमस ये मेरे परदादा जी के जमाने से है, सारी मेहनत उनकी की। मैंने तो फील किया नाश्ता करके कि सही में जबरदस्त कचौड़ी, थैंक यू, मिर्ची वड़ा, सब नाश्ते सही में जबरदस्त एकदम। हाँ जी, थैंक यू शर्मा जी, वेलकम।